नमस्ते, वेलकम टू पांडे जी की रसोई। मैं हूँ सुनीता पांडे। तो आज हम बनाएंगे आलू का पराठा, जो कि बिना लहसुन प्याज का, और अब गर्मी आ गई है तो बहुत ही हल्के मसाले के साथ अब बहुत ही टेस्टी बनता है, और जो कि मिनटों में तैयार हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। ये आलू हमने ले लिया है, हमारे 7 आलू हैं थे जिसको हमने उबाल लिया था और उबाल के छील लिया था। तो अब इसको हम मैश करेंगे और फिर इसका हम मसाला तैयार करेंगे। ये हमने गैस जला के कढ़ाई रख दिया। अब इसमें हम डालें ऑयल। ये हम ऑयल डालेंगे करीब 2 चम्मच, और इसमें हम डालेंगे ये थोड़ा सा, आधा चम्मच से बहुत ही कम जीरा। हाँ, तो ये हमारा तेल गरम हो गया है और गैस को हमने सिम कर दिया है। तो इसमें हम डालेंगे, ये है कसूरी मेथी, और ये हम लिए हैं कड़ी पत्ता, इसको हमने छोटे छोटे काट लेंगे। आज हम धनिया वाला नहीं बना रहे हैं इस पराठे में, ये कड़ी पत्ता डालेंगे, कसूरी मेथी, और ये लिए हम धनिया पाउडर है 1 चम्मच, ये इसी तेल में हम डाल दिए। अरे, हमने आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, ये आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, ये आधा चम्मच अमचूर पाउडर, ये सबको हम एक साथ तेल में डाल दिए। अब इसको हम आधा मिनट के लिए भून दिए। अब हम डालेंगे ये आलू जिसको हमने मैश कर लिया था। अब इसमें हम को डाल दिए। अब इसको हम अभी गैस थोड़ा सा हम तेज कर लेंगे, अभी गैस को हमने सिम किया है। ये हमने लिया है ये सूखी पुदीना की पत्ती, अगर आपके पास सूखी ना रहे तो आप हरी भी डाल सकती हैं, इससे बहुत ही अच्छा इसका स्वाद आता है। अरे, हम 2 चम्मच नमक लिए हैं, लेकिन हम पूरा नहीं डालेंगे, हम डालेंगे इसको 1.5 चम्मच नमक। आप स्वाद अनुसार डालिए, आपको जितना नमक चाहिए। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है हमारा आलू का मसाला। न इसमें लहसुन है न प्याज है, और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप लोग एक बार इसको जरूर ट्राई करिएगा। ये हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसका जरा नमक टेस्ट करते हैं, मसाले टेस्ट करते हैं कि कैसा है इसका। बढ़िया है। अब गैस को हम बंद कर देते हैं। अब इसके बाद हम आटा तैयार कर लेते हैं पराठे बनाने के लिए। ये हमने 1/2 किलो दही ले लिया है, और ये बूंदी हमने इस बॉल से, एक बॉल से, तो अब इसको हम इसमें डालते हैं। इसमें हम डालेंगे ये उबला हुआ पानी, इसको बस मैं इसमें 2 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। अब इसमें हम डालेंगे, ये हमने 1/2 चम्मच नमक ले लिया है, ये हम 2 चम्मच चीनी लेनी है। तब चीनी इसमें डाल दिए। अब इसको हम अच्छे से मत लेंगे, एक तार हो जाएगा एकदम, फिर इसमें हम पानी डालेंगे। हाँ, ये बूंदी हमारी गल चुकी है, जितना भी ऑयल रहता है बूंदी का सब निकल जाता है। तो अब इसको हम इसमें डाल दिए। अब इसको हम ठंडे पानी से धुल लेंगे, ये बूंदी हमारी एकदम चिपकेगी नहीं, नहीं तो चिपक जाएगी। अब इसको हम 2 मिनट के लिए रख देंगे, पानी निकल जाएगा। हाँ, तो ये दही हमारी तैयार हो गई है। इस बाउल से हमने एक बाउल पानी डाल दिया था, ये हमारी दही अच्छी गाढ़ी है। अब इसमें हम डालेंगे बूंदी, ये बूंदी का पानी निकल चुका है, देखिए कितनी बढ़िया खिली खिली बूंदी हमारी है। तब इसमें हम ये बूंदी को अच्छे से मिला लेंगे, ये बहुत ही टेस्टी लगता रहता, अब बूंदी भी गल जाती है तो बहुत ही अच्छी लगती है। हम मिला दिए। अभी
अब इसमें हम ये थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे, इससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा काला नमक से। हमारा काला नमक मिक्स हो गया, तो अब हम इसमें डालेंगे ये जीरा, भुना हुआ जीरा को भून के और पीस लीजिए, ठीक है। और ये इसमें हम थोड़ा लाल मिर्ची डालेंगे। ये हमारा रायता तैयार हो गया है, तो अब हम बनाएंगे पराठा, फिर पराठे के साथ इसको टेस्ट करेंगे। ये हमने देखिए आटा लगा लिए, और ये आलू के पराठे का आटा थोड़ा गीला रखते हैं देखिए, और ये हमने पानी लिया था इसे एक कटोरी, देखिए पूरा लग गया है। ये हम दो कटोरी दिखाते हैं, इस कटोरी से हमने दो कटोरी आटा लिया था और इस कटोरी से एक कटोरी पानी। ये हमारा आटा बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है, हल्का गीला भी है। इसको हम ढक के रख देंगे 15 मिनट के लिए, इसके बाद तब तक हम रायता तैयार कर लेंगे। ये हमारा दूसरा पराठा तैयार हो रहा, इसको हमने पलट दिया, और ये हम तीसरे के लिए भर रहे हैं आलू। ये हमारा पराठा सिक रहा, तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ये देसी घी। अब इसको हम पलट देंगे, ये देखिए, अब इसको इधर भी हम लगा देंगे देसी घी। अब इसको फिर से पलट देंगे, इस साइड भी थोड़ा हो जाए अच्छे। देखिए पराठा हमारा बढ़िया सिक चुका है, तो अब हम इसको उतार देते हैं ये। अब हम दूसरा पराठा इस पे डाल देते हैं। ये हमारा दूसरा पराठा तैयार हो रहा, इसको हमने पलट दिया, और ये हम तीसरे के लिए भर रहे हैं आलू। हाँ, ये हमारा घी लग चुका है, अब इसको हम दूसरा पराठा देते हैं। देखिए कितना बढ़िया सिक रहा है। ये हमारे पराठे तैयार हो चुके हैं, तो चलिए अब हम सर्व करते हैं। और रायता दोनों तैयार हो चुका है, अब हम आप लोगों को टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा बना है। और ये हम टोमेटो सॉस ले लिए हैं, तो बच्चों को बहुत पसंद आता है टोमेटो सॉस के साथ, तो खा सकते हैं आप लोग। तो ये हम रायता के साथ में टेस्ट करते हैं। अच्छा बना है, इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर